देखन में छोटे लगे हैं घाव करें गंभीर। अच्छा ही है भाई, ये तो भाई नामी बिल कहा नाम बिलचा बना कर दो, मन बिलचा बना कर दो बच्चा माई ये बाहर निकलो तुम, बाहर निकलो। चलिए बेस्टे पानी पी रहे, बेस्टे पानी। ये जो सर्प है आप लोग देख सकते हैं, ये इंडियन स्पेक्टल कोबरा है, और ये इनका जो बाथरूम है उसी में शांतिपूर्वक बैठा है। थोड़ी जगह है, स्पेस है जो टाइल लगी है उसके नीचे, और ये घुस गया है। थोड़ी सी टिल उसकी है वो दिख रही है, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसको तोड़ना पड़ेगा, इसके बाद में उस सर्प को निकालेंगे बाहर। और इधर तुम्हें फंसो भाई, बन नहीं। चलिए वीडियो के साथ साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, देखते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर उस सबको बाहर निकालेंगे। फिर बताते हैं इस सबके बारे में कुछ थोड़ी विशेष जानकारी। या तो इसने किसी जीव को खाया है। ये घुस कैसे दिया यार, इतनी छोटी जगह में। नहीं, थोड़ी किसी जगह। चलिए इसको निकालते हैं बाहर। वो खुला कुछ बेलचा वगैरह है, दिखाई की वजह है भाई कर रहा हूँ। अभी उसकी चोट ना लग जाए। ये दो हेते एक बंगर डरो मत डर दे ना, अपने मरियो ता है बिल हो दो बढ़िया थी यार। जर भाई जरा है मिल रही ना, या तो अंदर ही चली जाए। तुम्हारा लाओ फिर रुको 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 रुको, यहीं पे है वो, यहीं पे ना उसका पूरा वहीं पे है वो। ये तो है ना, पर परेशान हो, परेशान बिल्कुल ना हो आप लोग। मुझे छोड़ तो है, पदम है पदम ना। पानी यहाँ नहीं पाएगा, आराम से निकाल ले, काहे परेशान को जबरदस्ती थोड़ी है। बिल्कुल बंगा करे देखो,
जोकर के गाने तो नहीं खेलिए करिए हां बहुत कुछ मतलब तो गीतर है यार देखो देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर अच्छे ही है भाई ये तो भाई नांगी मिल जाए मना कर दे कहा नांग नांग बेचा मना कर दे हाँ बेचा मना कर दे मैं बेचा मना कर दे बेचा क्या ये माय ये हाँ 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 आप लोगों ने देखा उस टायर को तोड़ना पड़ा, इसके बाद में सुरक्षा से सावधानी से इस सर को बाहर शेर निकाल लिया गया है। और आप लोग देख सकते हैं जो सर था ये इंडियन स्पेक्ट्रम कोबरा है समझे। लेकिन जहर की यदि बात की जाए वेनम की पॉइजन की तो जहर इनमें जन्म से ही होता है। इसको अक्सर गांव के लोग पदम नागिन के नाम से जानते हैं समझे। और इसका ये इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो आप लोग वीडियो को देख के नकल अकल करना तो बड़ा सावधानी से भैया काम करना। और इनका है ना बहुत जरूरी है, ये इकोसिस्टम है, पर्यावरण का बैलेंस है, फूड चेन की एक महत्वपूर्ण कड़ी में योगदान देने वाली ये मेजबान है। अगर ये जिस दिन विलुप्त हो गए उस दिन बीमारियों पर कोई अंकुश नहीं लगा पाएगा समझे। कोई भी फसल करो अब इसने किसी जीव को खाया उसको ये बाहर निकाल रहा है कि शायद मेंढक को खाई है यार ये बाहर निकाल रहा है। पास से दिखा, पास दिखा, पास दिखाओ उनकी तरफ इधर से दिखा जो जो आई हो अब ये जो पीछे है इन तक ओ माय गॉड ये काम बहुत गलत हुआ। ये चूहा होगा या मेंढक होगा तो भाई मेंढक तो मर जाएगा। अब इधर आराम ले ना जा इधर डिस्टर्ब जो करो ना जो उम्मीद दे जाओ सब तो दो मेंढकों का इसने शिकार किया था आप लोग देख सकते हैं। अरे कहीं नहीं जाओ कहीं तो इस समय देखिए ये हाइबरनेशन में जा रहे हैं। टेम्परेचर है वो धीरे धीरे घट रहा है। इस समय ये हाइबरनेशन में जा रहे हैं और ये भोजन को अभी से ये एनर्जी स्टोरेज करके हाइबरनेशन में जाएंगे ये शीत निद्रा में। तो ये बिना कुछ खाए पिए रहेंगे इसीलिए अभी से ये भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। चलिए इसको पैक करते हैं, परेशान नहीं करना चाहेंगे। हमारा डब्बा उठा लो भैया। डब्बा कहाँ है भैया? डब्बा है खोलो खोल खोल एक तो जो जो मरो तो 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 ये अभी कोई नहीं कह सकता ये नाम है कि नाम है। हाँ भाई कोई नहीं कह सकता ठीक है। ये बेबी कोबरा भी है। हाँ अच्छा है। तो इन सभी लोगों के द्वारा एक महत्वपूर्ण सराहनीय कार्य किया गया। एक गजबान की जान बचाने के लिए ये विद्युत विभाग से संबंधित आदित्य कुमार मिश्रा जी है। ये पहली बार नहीं है, एक बार और आ चुके हैं कभी भी इनकी इनकी ड्यूटी में सड़कों का आना जाना हमेशा मना रहता है। रात में और भैया बहुत धीरज बनाए रखे धैर्य बनाए रखे। और ये सर है ये भी यहाँ पर एसएसओ की ड्यूटी पर कार्यरत है। अरविंद कुमार जय सर के द्वारा सूचित किया गया एक सराहनीय कार्य किया गया, महत्वपूर्ण योगदान दिया गया एक जीप की जान बचाने के लिए। ठीक है टेम्परेचर है धीरे धीरे घट रहा है, लेके चलते हैं इसको जल्द जल्द जंगल में पुनर्वास के लिए अभी रिलीज कर देंगे। वीडियो में हैंग करते हैं लेते हैं ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। टीम आपके साथ मिलते हैं, फिर मिलते हैं। जय हिंद मंत्र मात्र।